दोस्त लोग बोलते हैं पीने से थोड़ा अच्छा लगता है। मेरा ख्याल से होना ही चाहिए, क्योंकि आदमी लोग को देखा है वो लोग पीते हैं, लेकिन पी के भी बहुत शांति होते हैं। उल्टा मतलब जो दारू से थोड़ा वो होता है, वो गंजा एक अच्छा चीज़ नहीं है ना। और गंजे का वजह से वैसे भी यहाँ में इतना फैमिली प्रॉब्लम्स चलते हैं, लड़का लोग इतना लाइक माँ पिताजी को पैसा के लिए मारते हैं, और मेरा खुद का भैया भी है ऐसे ना। तो हम लोग यंग लोग जो ले के बहुत खराब हो रहा है, मेरा ऐसे में इसको अप्रूव नहीं करने से ठीक है। गांजा बिक्री करने वाला, ड्रग्स बिक्री करने वाला बड़ा बड़ा आदमी लोग, पुलिस लोग भी बिक्री करते हैं ड्रग्स मेडिकल साइंस खुद परमिट करता है कि गांजा अब यूज़ करना है पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए ना। ये मेडिसिन के लिए भी ट्रीटमेंट के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसको सही वे में जो फिजिशियंस होते हैं ना वो लोग अच्छा से देख के देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि हम वहाँ से उठा लिया खा दिया तो ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता ना। उसका प्रिस्क्रिप्शन होना पड़ेगा ना डॉक्टर से, वही ठीक है। सबसे पहले अपना माता पिता अपना बेटा को अच्छा संस्कार देना है। गांजा लेने से तो आदमी तो रिफ्रेश होते हैं, बार बार ले लेना है। Hello and welcome back to ADTV. So today I will be taking public opinion on a topic that is never too old, and that is, should cannabis be legalized in India or not? Many of you might and might not be aware that the use, trade and consumption of cannabis is illegal in India. It is banned under the Act 1985, Narcotic Drug Psychotropic Substances, but it is still used by many. It has also been proven that the use of cannabis can be used in medicinal purpose, because of which the call for legalizing cannabis have been stronger. So let's ask from the people residing in the area what are their opinion on cannabis and should it be legalized or not. Majority log se dost log bolte hain peene se thoda acha lagta hai bole. Peene se aapko aapko main pooch rahe ki legalize hona chahiye ki nahi. तो अभी तो इलीगल है, लेकिन मालूम नहीं शायद लीगल होने से भी ठीक ही है। मेरा दोस्त आपको क्यों लगता है कि क्यों लीगलाइज होने से ठीक है, रीज़न आपको कुछ रीज़न है? नहीं बोले तो हमको तो लगता है मारुआना वो से ठीक है, अल्कोहल से ज़्यादा ठीक है लगता है। जो ये गांजा है हमारी जूना वो जो ये इंडिया में लीगलाइज होना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरा ख्याल से होना ही चाहिए। क्यों लगता है कि ये जो हमारी जूना है वो जो लीगलाइज होने से ठीक है? क्योंकि आदमी लोगों को देखा है वो लोग पीते हैं, लेकिन पी के भी बहुत शांति होते हैं। उल्टा मतलब जो दारू से थोड़ा वो होता है, मतलब उल्टा वो मतलब वो पीने से उल्टा थोड़ा शांत रहता है आदमी लोग, इतना वो नहीं होते और उल्टा उल्टा भी नहीं करते ना, तो इसलिए ठीक है। आपने कभी विटनेस किया है आपके सामने में किसी को मारी जुना है सब? हाँ बहुत दोस्त लोग भी है, वो लोग भी ठीक ही रहते हैं। जो दो तीन ग्रुप है दोस्त लोग का जो ये सब गांजा लेता है और कोई दारू लेता है, तो दारू वाला लोग से ठीक ही है, गांजा वाला लोग बहुत अच्छा है उन लोग से। क्या लगता है जो ये गांजा है उसको ये इंडिया में लीगलाइज कराना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स नहीं चाहिए। आपको क्यों लगता है कि नहीं कराना चाहिए? क्योंकि गांजा एक अच्छा चीज़ नहीं है ना, और गंजे का वजह से वैसे भी यहाँ में इतना फैमिली प्रॉब्लम्स चलते हैं, लड़का लोग इतना लाइक माँ पिताजी को पैसा के लिए मारते हैं, और मेरा खुद का भैया भी है ऐसे ना, तो घर में उसके वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो ये ATTV को ये गंजा के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये एक्चुअली गंजा को अभी हम लोग ये यंग लोग जो ले के बहुत ख़राब हो रहा है, मेरा हिसाब में इसको अप्रूव नहीं करने से ठीक है। और यहाँ में हम लोग का इकोनॉमिक मैटर में कोई कोई जो इसको फाइनेंशियली में बिजनेस पर्पज़ में ले जाता है, ये गलत है। कल को देखिए वो आप जो बिजनेस करता है इसके लिए भी इसको भी मैं रिक्वेस्ट करता है आप इसको बैन कीजिए, अच्छा नहीं है। कल को आपका बेटी बेटा भी इसको लेगा वो इसका माइंड जो ये हो जाता है कुछ भी मन ये प्रोग्रेस नहीं होता है जो गंजा लेता है। इसका हिसाब से मेरा तरफ से नहीं लेना चाहिए गंजा को, और बिजनेस का पर्पज़ में भी नहीं लेना चाहिए, और बच्चा का सामने में इसको कभी इसको जानने भी नहीं देना चाहिए मेरा हिसाब में। गंजा अच्छा चीज़ नहीं है। थैंक्स। जो अभी बच्चा लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना ये मारी जो गांजा है, तो वो लोग को क्या मैसेज देना चाहेगा? जो अभी बच्चा प्रेजेंट में जो गंजा इस्तेमाल कर रहा है इसको हम ये रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको जो ले चुका है इसको आप इसको हो गया ना जो आज अभी से जो नहीं लेने से ठीक है, ये मेरा एक सजेशन है। जो गंजा लेता है वो आदमी माइंड जो फ्रेश नहीं होता है, कुछ कुछ भी फंक्शन नहीं होता है, ऐसे डैम हो जाता है माइंड जो,
इसलिए जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो तो कभी उसको आप छूने के लिए भी कोशिश नहीं करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। वो गांजा बिक्री करने वाला, ड्रग्स बिक्री करने वाला बड़ा बड़ा आदमी लोग, पुलिस लोग भी बिक्री करते हैं ड्रग्स व्रग्स, उन लोग को जब मिलने से उसको सजा देने से ठीक है। हम लोग का पुलिस भी बिक्री करता है गांजा को, ये को ड्रग्स को बाहर से ला के बिक्री करता है, ये असम बाउंड्री से लेके आता है, उधर में भी चैन बिन करके पकड़ने से ठीक है। इसको सजा देना है जो बिक्री करने वाला को, ठीक से सजा देना है गांजा बिक्री करने वाला को। हम लोग का मेरा एक भाई का बच्चा है, ऐसा आदत हो के अभी भी जेल में है। वो लोग वो पीने नहीं मिलने से चोरी करता है, बाइक चोरी करता है, घर टीवी चोरी करता है, बिक्री करता है, दूसरा घर गाड़ी उड़ी चोरी करके बिक्री करता है, और माँ बाप परेशान होता है। और गांजा पी के वो लोग इधर हो गया, चोरने नहीं सकता है, माँ बाप पैसा नहीं देने से चोरी में जाता है। इसीलिए ये गांजा और ड्रग्स जो बिक्री करता है उसको पकड़ के ये सजा देना है, कम से कम 6 साल तक ऐसा सजा देने से ठीक है। हाँ, यहाँ में हम लोग को अरुणाचल में भी गांजा नहीं करना है, खेती भी नहीं करना है। गांजा खेती करके गांजा को चुप चुप के बिक्री करता है, घूमती उमती में बिक्री करता है, और कोई बुरी बुरा लोग बिक्री करता है, ये सबको पकड़ के सजा देना है। तो अब ये जो बिक्री करता है सब, वो लोग अब क्या बोलना चाहेगा? वो जो ऐसा बिक्री करने वाला हम लोग का बुरा बुरी लोग है, और बड़ा बड़ा आदमी भी है ड्रग्स बिक्री करने वाला, ये लोग आप लोग नहीं करने से ठीक है। और हम लोग का बच्चा बहुत बर्बाद हो रहा है, अरुणाचल का लड़का लड़की बर्बाद हो रहा है, कथा कथी मारा मारी हो रहा है, और चोरी डकैत ज़्यादा हो रहा है, माँ बाप लोग परेशान होते हैं। आपको क्या लगता है, जो ये गांजा है ना, उसको इंडिया में लीगलाइज कराना चाहिए कि नहीं? गांजा को ना एक्चुअली इन्हें जनरल मास में लीगलाइज तो नहीं कराना चाहिए, बट इवन दो इन मेडिकल फील्ड ना, इन स्पेसिफिक पर्टिकुलर फील्ड, कुछ कुछ केसेस में पेशेंस वगैरह होता है कुछ कुछ चीज़ में मेडिकल ये में, तो उसमें कहीं कहीं ये में वो लोग लीगलाइज करता है, बट एज पर एज जनरली यूथ का हिसाब से बोलने से इंडिया में तो अभी तक नहीं कराना चाहिए हमको लगता है। अब जो ये अरुणाचल का यूथ लोग हैं, उन लोग का कुछ मैसेज पोस्ट करना चाहेगा, छोड़ना चाहेगा? बिकॉज अरुणाचल में एस यू टी सी ना देर मैनी बच्चा लोग जो होते हैं यंगर एज में ये सब चीज़ में अभी बहुत इंटू हो रहा है। उसमें आपका ऐसा है, यूजली गांजा ड्रग ये सबसे तो दूर रहना है जितना बोलने से भी, बट इवन दो उससे आप दूर रहना है आपका, उसको छोड़ के आपका अलग भी एक मीन्स होता है कि आपका खुद को सेल्फ मोटिवेशन में, इंटरटेन में, फन में कर सकता है। स्पोर्ट हो गया आपका, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो गया, सिंगिंग डांसिंग जो भी है, बट गांजा ड्रग्स इज़ नॉट ए लाइक डेट वे ना, कि आप उसको लेके ही आप ये फन कर सकता है। बट इवन दो हम पहले बोला है कि कुछ कुछ फील्ड में मेडिकल साइंस में, जैसे कि आप अमेरिका वो में देखिए ना, मेडिकल साइंस खुद परमिट करता है कि कुछ कुछ चीज़ में गांजा आप यूज़ करना है कुछ पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए, बट ओवरऑल आप उसको लीगलाइज तो करना तो गलत होगा अभी का ये में स्टेट में यहाँ पर। आपको क्या लगता है, जो इसका अवेयरनेस है कम कराने के लिए द यूज ऑफ गांजा? हाँ या फॉर देट वी हैव टू मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन द स्पोर्ट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो आपको मोटिवेट करेगा ना। आजकल कितना लड़का लोग ओलंपिक में, कराटे, एमएमए, जिजित्सु में बहुत लड़का आ रहा है, उस हिसाब से अभी वो सब चीज़ में आपका ज़्यादा फोकस कराना है, तो वो सब चीज़ में होने से डेफिनेटली ये सब आपका छूट जाएगा। मेरा ख्याल से ये जो गांजा है ना, इसको लीगलाइज नहीं करना चाहिए इंडिया में, क्योंकि ये एक ये टाइप ऑफ ड्रग्स है ना, जो इसको जो आदमी कंज्यूम करते है उसका वो बहुत साइड इफेक्ट होता है ना, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट होता है और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होता है। तो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट में आपका वो होगा, आपको मेमोरी लॉस होता है ना, और आपका जो हार्ट बीट होता है ना उसको भी बढ़ाता है। तो ऐसे होके ये वो होता है, क्या बोलते हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम भी दे सकता है ना, तो आपका स्लीपिंग में भी ये प्रॉब्लम देगा। तो स्पेशली जो स्टूडेंट है, जो यूथ है, तो वो लोग इसको आजकल हम देखते हैं कि बहुत गांजा को कंज्यूम करते हैं ना, वो लोग ऐसे इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, लेकिन इसका वो लोग हार्मफुल इफेक्ट है ना, जो साइड इफेक्ट है उसको नहीं जान के ऐसे करते हैं। तो हमको ऐसे लगता है कि इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी एनजीओस लोग करना चाहिए और गवर्नमेंट का तरफ से भी करना चाहिए। और अभी हमको देखने में मिल रहा है कि ये जो ड्रग्स पेडलर्स होते हैं इसको बहुत पकड़ा जाता है,
ट्विन कैपिटल में ना ईटानगर नाहरलगुन में, तो उसका भी रीज़न है ना, क्योंकि ये आदमी को डेड भी करा सकते हैं, मरा भी सकते हैं, तो उतना ही इलीगलाइज नहीं करना चाहिए इंडिया में। थैंक यू। आप सुना है कि मतलब बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो मारीजुना है वो उसके पत्ता से कुछ दवाई मेडिसिन वगैरह भी बनाया जाता है, तो आपको क्या लगता है इसका उत्तर में कि जस्ट बिकॉज ये इससे दवाई बना जाता है इसीलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसे यहाँ पे लीगलाइज करवा दें? हाँ, ये बात भी सही है, इसको हम डिनाई नहीं करते हैं ना, ये मेडिसिन के लिए भी ट्रीटमेंट के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसको सही वे में जो फिजिशियंस होते हैं ना वो लोग अच्छा से देख के देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हम वहाँ से उठा लिया खा दिया तो ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है ना, उसका प्रिस्क्रिप्शन होना पड़ेगा ना डॉक्टर से, तो वही ठीक है। तो ये गांजा है इसको लीगलाइज कराना चाहिए बोल के, और बहुत सारा लोग ये बोलते हैं कि फिर इसको लीगलाइज नहीं कराना चाहिए, तो आपका ओपिनियन में क्या लगता है आपको कि इसको लीगलाइज कराना चाहिए कि नहीं? उसको तो ये नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा गांजा यूज़ करता है, खासकर ये ट्राइबल रीजन में नॉर्थ ईस्ट, हम लोग का जितना सेवन सिस्टर हो गया उसमें ज़्यादा ये गांजा का यूज़ करता है, गांजा में आता है ये बांग आता है, कानिया आता है और ये ड्रग्स भी आता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये हम लोग का विलेज लेवल में ये अपना फैमिली में अपना बेटा को समझाना है, ये नहीं करना है बोल के, ये नहीं कि सिर्फ पुलिस ये कंट्रोल करेगा, पुलिस अकेला नहीं सकेगा मेरा तरफ से, तो माता पिता भी उसको कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कि अपना बेटा ड्रग्स पी रहा है, गांजा पी रहा है, स्कूल जाते हुए नहीं पहुंच के रास्ता में पीता है कोई, तो उसको कंट्रोल में लाना चाहिए, अपना पहले सबसे पहले माँ पिताजी का पर्च बनता, अपना माँ पिताजी का संस्कार अच्छा होगा तो अपना बेटा का भी अच्छा होगा, अगर माँ पिताजी का संस्कार अच्छा नहीं होगा तो बेटा ऑलरेडी बिगड़ेगा, तो टीचर को भी क्लेम नहीं कर सकता है, पुलिस को भी नहीं बोल सकता, अगर बेटा कंट्रोल कर सकता है तो अपना माता पिता कंट्रोल में नहीं कर सकता है, तो पुलिस में कंप्लेन करो, और अपना पंचायत लेवल में होता है उसमें कंट्रोल करना है, नहीं सकता है, तो पुलिस में देना है, तो पुलिस भी उसको सिस्टम में ला के अच्छा से करेगा, मेरा इतना तक जानकारी है ये जो गंजा का विषय में और ड्रग्स का विषय में। और नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर आपुंग अरुणाचल में ज़्यादा आपुंग यूज़ करता है, वाइन शॉप का लाइसेंस भी ज़्यादा इशू किया हुआ, इसमें क्लेम नहीं करता हूँ मैं, इशू करना है सरकार का मर्जी है, लेकिन वाइन शॉप ये आपुंग का वजह से ज़्यादा ये कैंसर हो रहा है, किडनी फेलर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये चैनल आपको धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू। इसको कंट्रोल में लाना चाहिए, सबसे पहले पर्च बनता है माता पिता का, भाई भैया का, अपना रिश्ता का, उसको कंट्रोल कर सकने से अपना कंट्रोल करना है, तब जाके दूसरे भी देख के अच्छा होगा, यानी कि आप स्कूल भेज दिया, भाई भैया को पैसा मांगा है दे दिया, आपुंग पीता है, ड्रग्स पीता है, बाइक अन 18 इयर्स का पार में बाइक देना है, बिना लाइसेंस का हेलमेट का बाइक चलाता है, ड्रग्स पीता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसका लॉस है फिर, खुद का भी, आप परिवार का भी और रिश्तेदार का भी तकलीफ होता है। मैं तो यही बोलता हूँ आपका चैनल को धन्यवाद आज मिला है, सबसे पहले अपना माता पिता अपना बेटा को अच्छा संस्कार देना है, मेरा बेटा क्या कर रहा है अपना पिता जानता है, माता जानता है, परिवार जानता है, बढ़ावा कौन देता है, माता पिता देता है, इसीलिए क्राइम ज़्यादा हो रहा है अरुणाचल में, ड्रग्स ज़्यादा हो रहा है, भाई भैया का बात नहीं सुनता है, एजुकेशन में बोलो तो पुअर है एजुकेशन में अरुणाचल, कोई UPSC IPS में मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, सिलेक्शन में नहीं आता है, किस लिए नहीं आता है, ये इसका कारण से तो इसलिए नहीं आता है, अभी अवेयरनेस हो गया, जैसे कि हमारा रेलवे स्टेशन आ गया, अदर्स कंट्री में स्टेट में क्या हो रहा है इंडिया में उसका भी एटमोसफेयर लग रहा है, अच्छा हो रहा है, अभी जानकारी आ रहा है, महिलाएं भी आ रहा है, और हम लोग का सब परिवार सब यहाँ का अरुणाचल सब बाद जाति लोग सब आ रहा है, इसीलिए अभी जानकारी हो रहा है, अरुणाचल भी बहुत एडवांस हो रहा है, आप लोग जैसे आज एडवांस हुआ है, हम लोग तो बेटा को अच्छा करो सोचता है, भाई भैया को, तो वो भांग गांजा पीने से बहुत गलत है, मैं तो ये अपील करेगा मेरा तरफ से दिल से, अपना भाई भैया अपना फैमिली जानता है मेरा बेटा अच्छा है ना खराब है, ड्रग्स में जा रहा है ना कोई अच्छा काम में जा रहा है वो जानता है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, पुलिस अकेला नहीं सकेगा, हम लोग बस्ती लेवल में हम लोग पहले कंट्रोल करना है, माता पिता कंट्रोल करना है, नहीं मानता है तो बेटा को एक दो बार समझाओ, तीन बार समझाओ, नहीं सुनता है, पुलिस में देना चाहिए, और पंचायत में मेन अपना विलेज लेवल में ठीक करना चाहिए, नहीं होता है तो पुलिस में, इतना ही मैं तो कहना चाहता हूँ, इतना ही मेरा जानकारी है ये ड्रग्स का विषय में। तो आपको क्या लगता है, उसको आपको क्या लगता है इंडिया में लीगलाइज कराना चाहिए? नहीं चाहिए ना, गलत काम है ये तो। आप कभी गांजा ये सब लेने वाला किसी के सामने में आया है? आया है, वो भैया का दोस्त लोग लेता है।